तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह को लापता हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई है। हालांकि इस केस की जांच चल रही है और रोज नए अपडेट्स आते रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने एक्टर के पिता की शिकायत को देखते हुए किडनैपिंग का केस दर्ज किया है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि लापता होना एक्टर का खुद का प्लान है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के किसी सोर्स ने उनसे कहा, उन्होंने अपना फोन पालम में छोड़ा, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रेस करना हमारे लिए और मुश्किल हो रहा है क्योंकि फोन उनके पास नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि वह एक ही रिक्शा से दूसरे ही रिक्शा में जा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सब प्लान किया हुआ था और फिर दिल्ली से बाहर चले गए। गुरुचरण लास्ट 22 अप्रैल को दिए थे। इसके 4 दिन बाद उनके पिता ने गुमशुदा की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में लिखा है कि मेरा बेटा गुरुचरण सिंह, उम्र 50 साल, निकलते थे 8:30 बजे 22 अप्रैल को मुंबई के लिए। वह एयरपोर्ट गए थे फ्लाइट के लिए, लेकिन मुंबई नहीं पहुंचते ना ही घर वापस आए। उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। वह मेंटली स्टेबल है और हमने उन्हें ढूंढा, लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं। बता दे कि गुरुचरण सिंह को तारक मेहता का उल्टा चश्मा से घर घर में पहचान मिली थी। हालांकि साल 2010 में उन्होंने शो छोड़ दिया था और इसके बाद वह किसी शो में नजर नहीं आए। उनकी जगह शो में अब बलविंदर सिंह सूरी काम कर रहे हैं। गुरुचरण ने पहले 2013 में शो छोड़ा था, लेकिन फिर पब्लिक की डिमांड के बाद वह वापस आए और इसके बाद साल 2020 में उन्होंने हमेशा के लिए शो छोड़ दिया था।